दोस्तों, गांव का नाम सुनते ही आज भी हमारे और आपके दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अजीबो गरीब से मेरा मतलब है अजीबो गरीब। पहली बात तो आपको लगता है कि गांव के लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वहाँ पे मिट्टी है, टट्टी है, ये वो फलाना ढिकाना, अनपढ़ गंवार, ना जाने क्या क्या आप सोचने लगते हो। और क्यों ना आए भाई, भारत में गांव में रहने वाले गरीब किसानों की इतनी अजीबो गरीब बातें आप पेपर में पढ़ लेते हो। कई कई किसान तो गरीबी से सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं भारत के एक ऐसे गांव की कहानी जो इतना अमीर है कि सिर्फ उस गांव की कमाई 1.5 अरब रुपए है। और अब ये बन चुका है सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और रिच गांव, रिच विलेज। यस, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कर दो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश का नाम सुना है, सुने क्या होंगे, आप में से कई लोग हिमाचल प्रदेश गए भी होंगे। और हिमाचल प्रदेश में ही है एक शिमला सिटी। शिमला सिटी के बारे में तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी बर्फीली वादियों के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। और इंडियन मैरिड कपल्स अक्सर शिमला ही जाया करते हैं। किस लिए? ऑब्वियसली हनीमून। तो चलिए आगे की बात करते हैं। क्या है कि शिमला अपने नेचर ब्यूटी के लिए तो फेमस है ही है, लेकिन नेचर ब्यूटी के अलावा भी अब शिमला को एक नई पहचान मिल रही है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की चौपाल तहसील में एक गांव है जिसका नाम है मड़ागांव। इस गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। इस गांव में करीब 2000 के लोग रहते हैं और इनकी औसत कमाई है 1.5 अरब रुपए। इस गांव के सभी लोगों के पास सेब की कई सारी बाग है और ये लोग कई नई नई तकनीकों द्वारा सेब का उत्पादन करते रहते हैं। ये लोग इंटरनेट के जरिए देश विदेश से सेब के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी अक्सर प्राप्त करते रहते हैं और उसी के हिसाब से अपनी खेती में बदलाव भी करते रहते हैं। और इनकी चालाकी तो देखिए, ये अपने सेबों को ज़्यादातर विदेशों में ही निर्यात करते हैं। ये इंडिया में सप्लाई देते ही नहीं है, विदेशों से इनको अपने एप्पल्स के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं और इसीलिए ये लोग अपने एप्पल को ज़्यादातर विदेशों में ही निर्यात करते हैं। इस गांव से पहले गुजरात का माधवपुर गांव अपने लघु उद्योग के कारण पूरे इंडिया में सबसे अमीर गांव था, पर शिमला के मड़ावा गांव ने अब ये गौरव अपने नाम हासिल कर लिया है। ये लोग लगातार इंटरनेट पे सेब के भाव को सर्च करते रहते हैं और जब इन्हें ये फील होता है कि हाँ अब तो सेब अपनी चरम सीमा पे आ गया, काफी महंगा हो गया, तभी ये अपने सेब को विदेशों में निर्यात करते हैं जिससे इनकी जबरदस्त कमाई होती है। और एक खास बात और दोस्तों, आज तक आपने कपड़ों का साइज तो काफी बार चूज किया होगा, आपको पता होगा कि कपड़े साइज के हिसाब से आते हैं, SML XXL XXL, इसी हिसाब से कपड़े आप लेते हो मार्केट में। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर एप्पल्स भी इसी साइज के हिसाब से आते हैं और साइज के हिसाब से ही उनका रेट भी डिसाइड होता है ना, अमेजिंग। तो दोस्तों, ये तो थी शिमला के सबसे रिच विलेज मड़ावा की स्टोरी, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो स्क्रीन पे चार वीडियोस दिख रही है ना आपको, अगर इसमें से एक भी आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ अभी जाकर देखो, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हैं ये। और मेरे चैनल की इस वीडियो को लगातार पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।